أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر बसमिलरिम शराय आल इमरान की एक सौ तीस नंबर आया मुबारक है और पाँचवा रकू शुरू हो रहा है चौथे पारे का अदबिल्लिशौनिम बिसमीम याज़ीना मनु ला तक्रबा अब तक लाकुम तफ़िल अहले ईमान से अल्लाह करीम ने बहुत सारे अहकाम और हकूक़ल्ला और हकूक़ल इबाद से मतलब ख़िताब फ़रमाया यहाँ सूद के हवाले से बयान किया जा रहा है और ये जो आया मुक़दसा है ये सूर बकरा से इसका नज़ुल भी सूर्य बकरा की सूद से मतलब आयात से पहले अरब के यहाँ रवाज था कि वो सूद पर पैसा देते या लेते और मुद्दत मकर्रा पर जब पैसे वापस करने होते और पैसे ना होते तो वो कहते कि आप मुद्दत का इजाफ़ा कर दें और हम सूद को बढ़ा देते एक साल के बाद पैसे देने थे नहीं दिए अब साल से आगे जितनी मदत ज़्यादा होगी उतने ही पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो इस तरह मद्दत बढ़ती रहती है और पैसे भी बढ़ते रहते हैं तो इसको सूद दर सूद का मामला कहा जाता था सूद मरक्ब भी इसको कहा जाता है तो इस्लाम ने इससे मना फरमाया आगाज़ में इससे मना किया गया फिर दूसरी आयात मुकदसा में सूरज बकरा में हम तफसी से पढ़ तो यहाँ अहल ईमान को ये बात समझाई जा रही है कि सूद से इजतनाब करो ये अहल ईमान का वतीरा होना ही नहीं चाहिए और अहले ईमान का तरीक़ा सूद के हवाले से किसी तरह का ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो काफ़रों का तरीक़ा है और उन लोगों का तरीक़ा है जिनका मतम नज़र सिर्फ़ माल है दुनियावी पैसा है और दुनिया ही है लेकिन अहले ईमान का मतम नज़र और अहल ईमान का असल मकसद दुनिया नहीं है दुनिया से ज़िंदगी गुजार के आख़रत है जो उसके पेश नज़र होनी चाहिए और आख़रत के लिए लोगों पर आसानियाँ पैदा करना ये बेहतर है ना कि लोगों के लिए मुश्किलें लोगों के लिए लोगों के माल को नाजायज़ तरीके से इस्तेहसाल के साथ हड़प कर जाना ये सूद जो है वो यही काम करता है इसलिए फरमाया यूह लजीना आ ऐ ईमान वालो लाता रिबा सूद मत खाओ अब मुदाफ़ा बढ़ा चढ़ा कर यानी दोगुना और चौगुना करके जितना पैसे दिए हैं उससे दोगुना हो गए फिर चौगुना हो गए फिर बढ़ते गए फिर बढ़ते गए मतलब ये एक कैफियत को बयान किया जा रहा है कि सूद दर सूद सूद दर सूद की जो सूरत हाल बर्दाश्त करना पड़ती है गुरबा को ये एक या है और इससे अल्लाह ने मना फ़रमाया है वत और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो अल्लाह से डरो लकुम तुफ लिखुन ताकि तुम फलाह पा जाओ लोगों के साथ लेन-देन के मामले में तुम्हें अल्लाह की ज़ा को पेश नज़र रखना चाहिए अल्लाह के हुक्म को पेश नज़र रखना चाहिए कि फ़लाह इसी में मुजमर है इंसान की दुनिया व आख़रत की कामयाबी का दारो मदार इसी में है वत्तुल्न्ारती और उस आग से डरो जिसे व्द्दत तैयार किया गया है लिलकाफिरन काफिरों के लिए ये आग तो काफरों के लिए तैयार की गई है तो और तुम सूद खा के उस आग के मुस्तक क्यों बन रहे हो इस आग का ताल्लुक कुफ़ार के साथ है अल्लाह तबारक व ताली ने अहले ईमान के लिए आग नहीं बनाई ये तो काफरों के लिए है जो अल्लाह के ना मानने वाले हैं अल्लाह के इनकार करने वाले हैं लेकिन अगर कोई उन कुफार जैसे अफ़ाल करेगा और अल्लाह की बात नहीं मानेगा तो फिर उसे उस आजाब का शिकार बनना पड़ेगा तो फरमाया ये तुम्हारे लिए नहीं है इसलिए तुम इन सूदी मामला में पढ़ के अपने लिए जहन्नम को वाजिब मत करो और अपने लिए जहन्नम का बायस मत बनो इसलिए फ़रमाया गया कि इससे एहतियात करो और करना क्या है वती अल्लाह की इतात करो व रसूला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात करोलकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए अल्लाह के रहम को जो चीज़ इंसान की तरफ मुतवज़ करती है और अल्लाह की के रहम को जो चीज़ आ, उभारती है वो अल्लाह और उसके रसूल की इतात है इंसान अपने मामलत के अंदर जिस देखे और ये तवज्जो करे कि अल्लाह ने क्या फ़रमाया है रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया हम इस बात की तरफ तवज्जो बिल्कुल भी नहीं करते माशा वो बड़े समझदार लोग हैं जो किसी भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि इसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है आज लोग कारोबार करते हैं तो ये सोचते हैं कि इसमें मुझे मुनाफ़ा क्या होगा मेरा फ़ायदा क्या होगा मेरा नुकसान क्या होगा कोई भी काम करने से पहले हम उसका मादी फ़ायदा और नुकसान सोचते हैं हम उसका दुनियावी मनफात और मदरस सोचते हैं कि इसमें क्या हो सकती है ये सोचते कम लोग हैं कि इसमें अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है सो हमें यह फरमाया गया कि कोई भी मामला करने से पहले ये सोचिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इसके बारे में क्या रहनुमाई है और उस रहनुमाई से हम सबक लेकर कारोबार शुरू करें उस रहनुमाई की सबक लेकर और उससे हम रहनुमाई लेकर अपने मामलों को आगे लेकर चलें वो है इंसान के लिए रहम और अल्लाह की खास मेहरबानी का ज़रिया सिर्फ दुनिया को देखना दुनिया के ही मनफात को देखना दुनिया के मुनाफे को देखना ये इंसान के लिए नुक़सान का बास बन जाता है वसारला मग़िरतम मब्बुम व जन्नतिन عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ वद्दत لِلْمُتَّقِينَ और हम आम तौर पर जल्दी करते हैं पैसों की तरफ आम तौर पर जल्दी करते हैं लोगों से मुनाफा हासिल करने की तरफ फरमाया गया जो चीज़ तेज़ी करने वाली है और जल्दी करने वाली है वो क्या है जिसमें हमने जल्दी करनी है जिसमें हमने सुरात से काम लेना है तेज़ी से काम लेना है वो क्या है सारू जल्दी करो तेज़ी करो इला मफ़रा मब अपने रब की बख्शिश की तरफ यानी वो अमल जो हमें अल्लाह की बख्शिश की तरफ ले जाएगा अल्लाह की माफ़ी की तरफ ले जाएगा अल्लाह हम पर फ़ल फ़रमाएगा हमें उस काम की तरफ जल्दी करनी है उस काम की तरफ तेज़ी करनी है व जन्नत और उस जन्नत की तरफ आर्द वसमा अर्द जिसकी वसात यानी जिसका हुजम आप कह लें अर्ज का माना वैसे चुड़ाई है जिसकी चुड़ाई कितनी है अर्द जितने आसमान हैं और जितनी ज़मीन है कितनी बड़ी ज़मीन है और कितने बड़े आसमान हैं सातों आसमान की वसत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़मीन की वसुत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते अब ज़मीन आप देखिए कितनी ज़मीन है इसका सत्तर फीसद तो पानी है और तीस फीसद पर हम रहते हैं या खुश्की का हिस्सा या इंसान रहते हैं या जंगलात हैं या जो भी अब तीस फ़ीसद इस ज़मीन का हिस्सा कितना वसत वाला है और अगर पूरी की ज़मीन हो तो कितनी वसत वाली और अगर सातों आसमान मिल जाए तो कितनी वसुत है फरमाए ये जन्नत की वसुत है तो हम यहाँ एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं एक एक बालिश के लिए लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं तो वो जन्नत जो इतनी वसी जन्नत है अल्लाह तबारक व ताली ने हमारे लिए तैयार की है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है या बहुत कम लोगों की तवज्जो है फिर मैं उसकी तरफ जल्दी करें हमें उनको अल्लाह तबारक व ताली ने जो हमारे लिए तैयार की है हमें उसकी तरफ तेज़ी करनी चाहिए वो इ्द्दत लुलमुतीन और अल्लाह ने वह तकवा वालों के लिए तैयार की है ये भी बता दिया तकवा इख्तियार करेंगे तो वो जन्नत हमारा इस्तकबाल करने के लिए इन मौजूद है और जन्नत खुश आमदीद कहेगी उन लोगों को जो तकवा वाले हैं अल्लाह अजल करीम के अहकाम नबी की इतबा और पैरवी करने वाले हैं उनका इस्तबाल जन्नत करेगी आगे उन लोगों के अवसाफ़ को बयान किया जा रहा है जो मतकीिन हैं तकवा वाले हैं परहेजगार हैं वो कौन लोग हैं फरमाज़ीना वो लोग खर्च करते हैं अपने खुशहाली में भी और अपनी तंग दस्ती में भी मुतकीन वो लोग हैं यानी ऊपर सूद वालों का जिक्र हुआ कि वो ईमान वालों को सूद नहीं खाना चाहिए क्या करना चाहिए तंग दस्ती हो फिर भी अल्लाह के रस्ते में खर्च करें खुशहाली हो फिर भी अल्लाह के रस्ते में खर्च करें इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो सबक है वो ये नहीं है कि ठीक है अगर आप खुशहाल हैं तो ठीक है खर्च करें नहीं ईमान वाले तंग दस्त तो भी हों तो अपनी वसत के मुताबिक अपनी गुंजाइश के मुताबिक फिर भी अल्लाह के रस्ते में खर्च करते हैं और वो इस खर्च करने से पीछे नहीं हटते तो पहली सिफत उनकी ये बयान की गई कि वो खुशहाली और तंग दस्ती हर सूरत में अल्लाह के रस्ते में खर्च करते हैं और ऊपर जो माल की मोहब्बत इंसान के दिल में बैठती है यहाँ ईमान वालों को उसके निकालने का हुक्म दिया ज़ार बात है जब इंसान पैसा जेब से निकालता है तो जिसकी मेहनत की कमाई है जब उसको आगे देता है तो फिर आ, मतलब महसूस तो होता है कि लेकिन अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के करम से जब ख़र्च करता है तो इंसान को खुशी होती है कि मैंने अल्लाह ने मुझे दिया और मैंने अल्लाह के रस्ते में उसको दे दिया अल्लाज़ीनाफिकूनफीबर्रा और दूसरी सिफत है वल काजमीन अलज़ा और वो गुस्से को पी जाने वाले गुस्से को बर्दाश्त कर जाते हैं कोई उनके साथ जुल्म करता है कोई उनके साथ ज्यादती करता है तो वो उसको बर्दाश्त कर जाते हैं अहिल ईमान की दूसरी सिफत वलआफ़ी नास और तीसरी फरमाया लोगों को मुआफ़ कर देते हैं यानी ग़ा पी भी जाते हैं और फिर मुआफ़ भी कर देते हैं वाहु यु हिब्बुलमुहसिन और अगली सिफ़त फरमाया कि अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है यानी वो क्या करते हैं ये गुस्सा भी पी जाते हैं मुआफ़ भी कर देते हैं और सिर्फ मुआफ़ ही नहीं करते जो लोग उनके साथ जुल्म करते हैं ये जुल्म का बदला जुल्म से नहीं देते बल्कि बदला एहसान से देते हैं उनके साथन सलूक के साथ देते हैं उनके साथ अच्छाई का बर्ताव करके देते हैं ये अहल ईमान की और अहल तकवा की सफ़ात यहाँ पे बयान की गई हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने तन्नतें तैयार की हैं और फ़रमाया व्लीन इज़ा फ़ा फ़ाहिशतन अगर उनसे कोई बुराई हो जाती है औ ज़लमू अन्फुसाहम जब वो जुल्म कर बैठते हैं ज़क़रल्ला तो फिर वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं अल्लाह उन्हें याद आ जाता है ग़लती हो गई फ़ौरन अल्लाह को याद कर लिया कि ये तो मुझसे ग़लती होगी अल्लाह की नाफ़रमानी हो गई अल्लाह को याद कर लिया फस्तफ़रोली जुनूबहम वो अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं अल्लाह ताला से मुआफ़ी तलब कर लेते हैं या अल्लाह ये गलती होगी तो हमें मुआफ़ फरमा वो मई यजुनूब अल्लाह और कौन है जो वो गुनाहों को मुआफ़ करता है मगर अल्लाह यानी अल्लाह के अलावा और कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है तो अहले तक्वा और अहले ईमान जब किसी खता में मुबतला होते हैं तो वो अल्लाह को याद करते हुए मुआफ़ी मांगते हैं अल्लाह का जिक्र करते हुए इस्तफ़ार करते हैं व लम और फिर उस पर डटे नहीं रहते अ फ आलो जो उनसे काम हुआ जो ग़लती उन्होंने की फिर उस पर डट नहीं जाते कि कर लिया तो ठीक है बस मैंने कर ली नहीं वो पीछे हट जाते हैं और उस गलती का इस्तफ़ार करते हुए फिर दोबारा इरतक नहीं करते वहम यह आलम और इल्म है कि वह ग़लती हो गई है और अल्लाह तबारक वाली ही मुआफ़र फरमाने वाला है फरमाया उनकी अल्लाह तबारक वाल ने जो जजा बनाई है उनके लिए अल्लाह ताली ने इनाम तैयार किया है वो क्या है उलई का जजा अहम मगफ़रा तुम रब्बीम उनके लिए बख्श है उनके रब की तरफ से व जन्नातन और ऐसे बागात हैं तजरेमिन तहति हल अनहार जिसके नीचे नहरें जारी हैं खालदीन अफीहा और उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे व अज़रुल आमिलीन और अमल करने वालों का अजर बहुत ही अच्छा है जो अमल करेंगे इन अल्लाह की नसीहतों पर अल्लाह के इन अहकाम पर अल्लाह के बताए हुए इस रस्ते पे चलेंगे उनका अजर कितना अच्छा अजर होगा बहुत ही अच्छा अजर होगा जो अल्लाह तबारक व ताली ने उनके लिए तैयार किया है इनायात मुकदसा से हमें ये इल्म हुआ कि सूद एक बहुत बड़ी लानत है अल्लाह की नाराज़गी का ज़रिया है जहन्म के अजाब का ज़रिया है जो जहन्म काफ़रों के लिए तैयार की गई है इसलिए हमें सूद से बाहर सूरत बचने की कोशिश करनी चाहिए और इंसान को अल्लाह तबारक वाली ने कुछ चीज़ें इख्तियार करने का हुक्म फरमाया उस जन्नत की तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए अल्लाह की बख्शिश की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और उसमें तेज़ी करनी चाहिए जो अल्लाह तबारक व ने इंसान के लिए तैयार किया अल्लाह और उसके रसूल की इताद अल्लाह तबारक व ताली ने जिन अहकाम के मानने का और जिन पर अमल करने का हुक्म दिया है इंसान अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करे ग़लती हो जाए इंसान मुआफ़ कर दे इंसान दरगुजर करे और एहसान करे और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल वसल्लम के अहकाम माने तो ये सारी बख्शें मकफ़रतें और जन्नतें इंसान का इस्तबाल करने के लिए मौजूद होंगी और इंसान को खुश हमदीद कहने के लिए मौजूद होगी अल्लाह की रज़ा इंसान का इस्तबाल करेगी अल्लाह करीम हमें तोफ़ी कतः फरमाए امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين